नमस्कार, मैं हूँ सुमश्री विश्वास और आज मैं लेके आई हूँ धनिया, पुदीना और मिर्च को कैसे लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले धनिया पत्ते को अच्छी तरह से धोने के बाद एक पेपर नैपकिन की सहायता से इसको हल्का सा मैं ड्राई बना लूँगी। ड्राई होने के बाद एक जिपलॉक बैग में मैं एक पेपर नैपकिन डालकर उसको अच्छी तरह से मैं फैला लूँगी इस तरह से। और उसके बाद मैं धनिया पत्ते को अच्छी तरह से इस पर फैलाते हुए इसको भरा लूँगी और इसके रूट को भी अंदर में अच्छी तरह से डाल के इस तरह से अगर फ्रिज में आप रखें तो 10 से 15 दिन तक आराम से ये चल जाएगा। इसी तरह से पुदीने को भी आप एक पेपर नैपकिन में बिछा कर अच्छी तरह से जिपलॉक बैग के अंदर रख के इसको भी काफ़ी लंबे समय तक आप फ्रिज में फ्रेश रख सकते हैं। इस तरह से मिर्चों को भी काफ़ी लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए अच्छी तरह से मिर्चों को पहले मैंने धो लिया है। उसके बाद इसके डंठलों को मैं अलग कर लूँगी इस तरह से। अब शीशे का एक जार ले लूँगी, उस पर पेपर नैपकिन बिछा कर अब मैं एक एक करके इस पर मिर्चें रखती जाऊँगी। इस तरह से मिर्चों को फ्रिज में 20 से 25 दिन तक फ्रेश रख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ले। बेल बटन को भी क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस तरह से रख के मैं धनिया, पुदीना और मिर्चों को काफ़ी लंबे समय तक बार बार इस्तेमाल करती हूँ। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।